पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की सभी गारंटी को चुनावी मुद्दा बताया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अनिल शास्त्री ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा के साथ साथ ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से भी चुनाव लड़ रहा है। देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची जा रही है, चाहे किसान का आंदोलन हो या पहलवानों का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं पर अत्याचार हो या चुनावी चंदे के नाम पर भ्रष्टाचार। मोदी सरकार हर मामले में मुंह बंद करके बैठी है। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है और डरा धमका के क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, डिफेक्शन कराया जा रहा है, सरकार बनाई जा रही है, और ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा आघात है, हमारे संविधान पर आघात है। और यही नहीं, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं, जर्मनी है और साथ साथ अमेरिका है, जिन्होंने इसकी निंदा की है और अपना जो है उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।